सेलेक्टिव फार्मा स्टॉक्स, ONGC और टू व्हीलर स्टॉक्स में अच्छा मूव देखा जा रहा है. आशीष, स्पेशली ऑटो पॉकेट से टू व्हीलर स्टॉक्स पर आया क्या है, कीपिंग इन माइंड कि सेल्स नंबर्स आज आएंगे, जनवरी मंथ में हमने थोड़ा सा इम्पैक्ट देखा था वॉल्यूम ग्रोथ पर. देखिए, मुझे लगता है कि वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो स्टेबल रहने की उम्मीद है. अभी हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे जब GDP के आंकड़ों के बारे में बात कर रहे थे, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो पूरा जो इशू है वो अब हम इट्स बिहाइंड अस इन टर्म्स ऑफ एंड जो रूरल में एक स्टेबिलिटी है वो दिन ब दिन बेहतर होती जा रही है. सो आई थिंक इफ आई हैव टू पिक वन स्टॉक प्योरली बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ इवेंट्स अहेड, यू नो, जिस तरह के लॉन्चेस एंड और बेनिफिट आ सकते हैं, आई थिंक बजाज ऑटो इज समथिंग विच वी आर लाइकिंग. एंड आई बिलीव कि एक तरीके से एक ऐसे सिनेरियो में ये स्पेस चला गया है जहाँ पे अब डाउन साइड बहुत लिमिटेड रह गई है. अगर अपसाइड बहुत ज़्यादा नहीं है तो डाउन साइड भी बहुत इसमें नहीं है. बिल्कुल, कुछ और ट्रेड्स चलिए एक बार देखते हैं, खासकर जो कैश के गेन. एक तो प्रिज्म सीमेंट करीब 6% ऊपर है इस समय, इस पर आप नज़र रख सकते हैं. सूर्या रोशनी की हमने बात की, ये करीब 4.5% ऊपर है. ताज, GVK और इंडियन होटल्स, इन दोनों पर ही अच्छा मूव है. रिको ऑटो अच्छी वॉल्यूम्स के साथ 3.5% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है. गुजरात फर्टिलाइज़र और इनफैक्ट बाकी जो फर्टिलाइज़र स्टॉक्स हैं इस पर ठीक मूव है. टाटा स्पॉन्ज आज दूसरा दिन है जब ये चल रहा है, करीब 3% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है. और साथ ही आज डीवीज लैब के काउंटर पर 2.5% का मूव अच्छी वॉल्यूम्स के साथ ये काउंटर भी ट्रेड कर रहा है. अरे, ये ताज, GVK और इंडियन होटल्स, इन दोनों पर आपका व्यू क्या है? ब्रॉडली मीर में ये होटल शेयर्स पे थोड़ा कॉशियस हुआ फॉर अ कपल ऑफ रीजंस, क्योंकि हमने पिछले कुछ सालों में देखा है कि इनके मार्जिन्स पे हमेशा ये प्रेशर बना रहा है. और हम इंडियन होटल्स का खास करके केस देख भी रहे हैं कि इनका जो होटल बिजनेस है उसमें प्रेशर बहुत ज्यादा बना रहता है. और जहां तक इंडस्ट्री का सवाल है, ये एक बहुत कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है और ऐसे इंडस्ट्री में ROI बनाना बहुत मुश्किल होता है. तो मैं आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ आइदर ऑफ दिस होटल स्टॉक्स. जी, ONGC में अच्छा मूव है और 1% से ज़्यादा की बढ़त दिखा रहा है आज. इनफैक्ट चलने के पीछे वजह भी है, जो रॉयल्टी पेमेंट है गुजरात रसम में वो सरकार ने माफ़ की है 22,000 करोड़ की. तो ऑयल इंडिया और ONGC दोनों के लिए पॉजिटिव खबर. ONGC अभी भी 1.25% की बढ़त दिखा रहा है. आशीष, ये अभी क्या टाइम है थोड़ा सा चर्निंग करने का ऑयल एंड गैस स्पेस में? ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की जगह क्या इन अपस्ट्रीम कंपनीज को पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए लाइक ONGC? आई थिंक द ट्रेड इज़ क्लियरली विजिबल जिस तरीके से यू नो ये जो न्यूज़ आई मर्जर से रिलेटेड, उसके बाद HPCL ने रिस्पॉन्ड किया और वो एक इनएविटेबल मूव है. और अब आप जो आज रॉयल्टी के बेसिस पे न्यूज़ आई एंड द वे वी आर यू नो एज्यूमिंग कि एक तरीके से जो क्रूड का बिहेवियर एक रेंज में रहने की उम्मीद है. सो आई थिंक क्लियरली आपने सही बोला कि जो अब हमारे अपस्ट्रीम कंपनीज हैं वहाँ पर फोकस थोड़ा बढ़ेगा और कहीं ना कहीं एक हाई वैल्यूएशन और एक ज़्यादा ओनरशिप होने की वजह से जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं वहाँ पे थोड़ा सा आपको प्रॉफिट टेकिंग का प्रेशर भी रहेगा, प्लस ऐसे इवेंट जो न्यूज़ बेस्ड इवेंट है वहाँ तो प्रेशर बना ही रहेगा. राकेश, कोई और ट्रेड आपने निकाले क्या? मीर, एक तो रिलायंस कैपिटल काफ़ी अच्छा लग रहा है टेक्निकली चार्ट्स के ऊपर. 516 का स्टॉप लॉस, 562 के लक्ष्य के लिए मेरा ऐसा मानना रिलायंस कैपिटल को बाय करना चाहिए. बाटा ने एक अच्छी गैप अप ओपनिंग दिखाई है और डिम्पी ने इसका जिक्र भी किया था, बाटा को बाय करके चलना चाहिए. 500 के नीचे के स्टॉप लॉस, 540 का टारगेट. एक मीर सेंचुरी टेक्सटाइल भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, 934 का स्टॉप लॉस, 995 के लक्ष्य के लिए. और एक कैडिला हेल्थ केयर, मीर मुझे लगता है स्टॉक एक्यूमुलेशन फेज में रहा है और इन्हीं स्तरों के आसपास 440 एक बेहतरीन स्तर है, स्टॉक को बाय करना चाहिए. मार्च महीने में मुझे लगता है एटलीस्ट 50 से 60 पॉइंट्स का अपमूव यहाँ पे देखने को मिल सकता है. 425 के स्टॉप लॉस के साथ कैडिला हेल्थ केयर को खरीदने की राय रहेगी. जी हरी, ये बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व दोनों पर क्या व्यू है आपका? हम ये दोनों पे बहुत पॉजिटिव है. इनफैक्ट विद इन द NBFC स्पेस आई थिंक ये दो कंपनियां ऐसे हैं यू नो जिनके NPS बहुत ही वेल मैनेज्ड है. आई थिंक दे आर मच बिलो 1%, विच इज अ रैरिटी अमंग NBFCs. इनका बिजनेस मॉडल बहुत ही स्टेबल है बिकॉज ये ज्यादातर कंज्यूमर फाइनेंस में काम करते हैं. और जैसे हम जानते हैं फोर्थ क्वार्टर में रीमोनेटाइजेशन बहुत तेजी से हो रहा है और जैसे कंज्यूमर डिमांड बढ़ता है इनका ऑटोमेटिकली लोन बुक भी बढ़ते जाते हैं विद वेरी लो डिफॉल्ट. तो मैं मानता हूँ कि इवन एट दिस प्राइसेस ये दोनों स्टॉक्स बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे खरीदने के लिए. बिल्कुल,
इस बीच एक बार देख लेते हैं एडीएजी ग्रुप के बाकी स्टॉक्स को। रिलायंस कैपिटल की तो बात की राकेश ने, लेकिन ओवरऑल भी इस ग्रुप में देखिए बस तो ठीक ठाक बना हुआ है। रिलायंस डिफेंस पर भी हमने देखा न्यूज़ फ्लो ठीक ठाक था, रिलायंस इंफ्रा चलते रहता है, आज भी करीब 0.25% चला है, और आरकॉम पर ऑब्वियसली ये जो पूरी एमएनए एक्टिविटी टेलीकॉम में ट्रिगर हुई है उसका इम्पैक्ट है। आशीष, रिलायंस डिफेंस और रिलायंस कम्युनिकेशन, इन दोनों पर क्या व्यू है आपका? देखिए, आप जिस तरीके से इस समय, मैं पहले टेलीकॉम के पर्सपेक्टिव में बात कर लेता हूँ कि अभी मेरे को नहीं लगता कि बहुत कोई पॉजिटिव रीज़न है कि यू नो जो ये प्राइसिंग वॉर है वो अभी तो शुरुआत है, मुझे ऐसा लगता है, और कहीं ना कहीं वो बहुत सारे अभी उसमें यू नो टर्न्स आने बाकी हैं। सो आई वुड से कि फॉर वट एवर रीजन स्टे अवे फ्रॉम दिस सेक्टर, डोंट गेट कैरिड अवे कि कोई अगर मर्जर और कुछ किसी तरह की न्यूज़ आती है। आई थिंक मोस्ट ऑफ द कंसोलिडेशन हैज़ नाउ प्लेड आउट। अगर कोई तीन कंपनी चार कंपनी मर्ज हो सकती है वो अभी कुछ आया भी नहीं है तो ऑलरेडी मूव कर चुके हैं, सो देयर इज नो पॉइंट। इट्स नॉट लाइक आइडिया यू नो ट्रेड विच मूव्ड अप ड्रामेटिकली। आई थिंक द होल सेक्टर हैज नाउ काइंड ऑफ बिहेव्ड। सो और आगे जाके बिजनेस पे कंसर्न है, आरओई सब कंसर्न है, तो दूर रहिए। सो ऑन इंफ्रा साइड आई थिंक क्लियरली जिस तरीके से एक बहुत ही स्ट्रक्चर और प्लान तरीके से एग्जीक्यूशन आगे बढ़ रहा है, लीवरेज बहुत लो है, और ये जो बिजनेस है इसमें एक तरह की यू नो एडवांटेज जो रिलायंस के पास रिलायंस इंफ्रा के पास आ रही है वो सिर्फ और अच्छी ही हो सकती है। सो आई थिंक हर गिरावट में मैं ये स्टॉक में बाइंग की रिकमेंडेशन दूंगा। ये आपके 2 साल के पोर्टफोलियो में होना चाहिए, इसमें छोटा ध्यान नहीं दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आशीष, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। एक बार TTML को देख लेते हैं, आज भी बस कर रहा है, कल तो खैर चलिए ट्रिगर था यहाँ पर, एंड फाइनली अगर इनका सेटलमेंट आउट ऑफ कोर्ट होता है, जो कि ऑब्वियसली इसके संकेत हैं भी, तो ये एक बहुत बड़ा ट्रिगर TTML के लिए हो सकता है, और ये प्ले हो भी रहा है जब से डोकोमो की तरफ से भी थोड़ा स्टांस सॉफ्ट हुआ है। हरी, क्विकली TTML पर आपका व्यू क्या है, वेरी क्विकली? आई एम नॉट वेरी पॉजिटिव ऑन द स्टॉक। यू नो आपने बिल्कुल सही कहा, ये जो प्राइस मूवमेंट हमने देखा पिछले 2 दिनों में, आई थिंक इट्स लार्जली ड्रिवन बाय द सेटलमेंट, बट नेट नेट एक कंपनी के फाइनेंशियल्स पे खास कोई फर्क पड़ने नहीं वाला। तो आई थिंक यदि आपके पास TTML का शेयर है तो ये बाउंस को यूज करके आप बाहर निकल जाइए। इस बीच पंकज पांडे अब हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। पंकज, मॉर्निंग टू यू, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। एंड पंकज, कल जब से GDP का डेटा आया ना, तब से मेरे दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा है। यू नो, एक तो पहले तो चलिए द एस्टिमेट्स वेर वेंट रॉन्ग, और नंबर जो आया वो बेटर देन एक्सपेक्टेड आया डेस्पाइट डिमोनेटाइजेशन। अब मैं देख रहा हूँ सुबह से जो सारी रिपोर्ट्स आई हैं इंटरनेशनल ब्रोकरेज हाउसेज की, वो फिर से एक बार पता नहीं क्यों लेकिन वो ये व्यू दे रहे हैं कि शायद रेट कट हो सकता है, जुलाई अगस्त के बाद ये साइकिल शुरू हो सकता है एंड ऑल। लेकिन इजंट इट टू अर्ली राइट नाउ टू स्टार्ट गेसिंग कि रेट कट कब से होगा कब से नहीं? इस नंबर पर आपका रिएक्शन है क्या, GDP के नंबर पर? देखिए, अगर आप स्टॉक मार्केट के हिसाब से देखेंगे तो स्टॉक मार्केट ने पहले ही मार्केट को या डीमोनेटाइजेशन को इवेंट को थोड़ा हल्के से लेना चालू कर दिया था, बिकॉज क्वार्टरली रिजल्ट्स में जो नंबर निकल के आ रहे थे जो यहाँ पे डबल डिजिट डिक्लाइन सोची जा रही थी, इवेंचुअली आगे जाके अगर आप देखेंगे कंपनीज के रिजल्ट्स में सिंगल डिजिट या लो डिजिट ग्रोथ निकल के आई, तो मेरे हिसाब से बाजार ने वो पहले फैक्टर इन कर लिया था कि डीमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट उतना ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। आई थिंक वॉट इज कम आउट इज दैट कि इवन द इनफॉर्मल इकोनॉमी में भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं आया। आई थिंक वो एक GDP के नंबर्स थोड़े बताते हैं जी। अगर ग्रोथ इम्पैक्ट नहीं हुई तो आगे जाके उम्मीद ये जरूर रहने वाली है कि रेट कट वगैरह की जो पॉसिबिलिटी, इवन RBI वेट कर रहा था कि GDP पे क्या इम्पैक्ट होगा, आई थिंक कहीं ना कहीं वो भी कम होती है। एंड प्लस आई थिंक इन्फ्लेशन साइड में ऐसा कुछ चीज़ें हेवायर नहीं जा रही हैं, तो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव आई थिंक अगर आपका यील्ड 6.9 है एंड अगर आप 1.5% रियल इंटरेस्ट रेट देते हैं तो लिटरली आप करीब 5.5% का आपका ब्याज होना चाहिए। एंड इन्फ्लेशन अगर आपका 5% के नीचे है तो अगर आप देखेंगे तो करीब 50 basis points का रेट कट का पॉसिबिलिटी हो पाता है, अनलेस की VC की इन्फ्लेशन ज़्यादा आएगा या रेट ऑफ ग्रोथ नीचे आता है। तो
तो मेरे हिसाब से ओवरऑल जीडीपी के नंबर के बाद में कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव रिविजन होगा एंड आरबीआई भी रिकंसिडर करेगा जो उन्होंने न्यूट्रल स्टैंस लिया था लास्ट पॉलिसी में।